लाजवाब किचन को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस विद चिली पनीर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्राइड राइस बनाएंगे, तो इसके लिए हमने ये बॉयल चावल ले लिए हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं। इस पे हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे गार्लिक। डाल देंगे जिंजर। जिंजर की थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, जिंजर का टेस्ट अच्छा आता है इसमें। इसको ऐसे लंबा कट कर लिया है। हमने एक डाल दिया, आप ज्यादा अगर तीखा खाएं तो आप हिसाब से डाल दें। अब इसमें हम डाल देंगे मटर। इन्हें मटर नहीं लिया। इसमें डाल देंगे गाजर और ये शिमला मिर्च, इसको भी हमने छोटा काट लिया है। और ये बेकिंग पाउडर, बहुत नहीं पकाना है, बस केवल हल्का सा ही भूनना है। मटर आप चाहे ताजे भी रख सकते हैं, फ्रोजन मटर यूज किया। डाल देंगे बंद, इसको भी हमने काट लिया बारीक बारीक। दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। ब्लैक पेपर डाल देंगे। सोया सॉस डाल देंगे इसमें। चिली सॉस, एक छोटा चम्मच धनिया पत्ता। हम डाल देंगे इसमें स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे। और इसमें हम डाल देंगे अपने बॉइल्ड राइस। हम डाल देंगे एक चम्मच टमाटो केचप, जिससे हमारी सारी उसमें चीजों को ये बैलेंस कर देगा। गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे निकाल देते हैं। इसे हम क्रिस्पी अनियन से गार्निश कर देंगे।
फ्राइड राइस बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बनाएंगे चिली पनीर। अब हम बनाएंगे चिली पनीर। तो चिली पनीर के लिए हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया और इसको इस तरह से कट कर लिया है। पनीर को इसे बोल में हम डाल लेंगे। इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट डाल देंगे हल्का सा, और इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, ताकि हमारा पनीर टूटे नहीं और सब मिक्स हो जाए, या तो भी इस तरह से मिक्स कर लें। अगर बहुत ड्राई लग रहा है आप तो इसमें हल्का सा पानी दे करके और फिर इसे मिक्स कर लें, सब में अच्छे से लपट जाएगा। अच्छे से इसमें मिक्स हो गया। अब हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस हमने ऑन कर ली। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम पनीर को इसमें डाल देंगे। ये हो जाए तभी इसको फ्राई करें, एकदम से इसमें लगाएंगे इसको फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे निकाल देंगे। ये काफी क्रिस्पी बना है। पनीर को निकाल लिया है, अब हम ले लेंगे एक पैन। गैस ऑन कर देंगे, पैन को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्च भी अच्छे डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, हमने एक अनियन लिया था, इसको हमने इस तरह से इसमें पीस कर लिए हैं।
इसमें डाल देंगे चीनी बहुत ज़्यादा से, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसको हम इस तरह से इसका घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे, डालते हुए अब इस पर हम डाल देंगे ये पनीर के पीस जो हमने किए थे। इसको ऊपर से डालें, पहले ना डालें, पर हमारा चिली पनीर बन के तैयार है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम स्प्रिंग अनियन के है वाले पार्ट से गार्निश कर देंगे और हमारा चिली पनीर बनके तैयार है। हमारा चिली पनीर और फ्राइड राइस बनके बिल्कुल तैयार है।